बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली करने वाले गश्ती दल को एसएसपी ने किया सस्पेंड। नमस्कार, एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली करने के मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की है। एसएसपी बाबू राम ने अवैध वसूली में संलिप्त जामदार उपेंद्र तिवारी और चालक रऊफ आलम को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा गश्ती टीम में शामिल होमगार्ड सकलदेव शाह, अशोक महलदार, कोको यादव के बॉन्ड को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। हबीबपुर थाना क्षेत्र में गश्ती दल के द्वारा बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने जांच की कार्रवाई की थी। घटना 31 अक्टूबर की थी। जांच में अवैध वसूली की बात सच साबित हुई। जांच में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि एसएसपी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली और लापरवाही करने वाले पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।